हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल डिप्लोमा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लच के न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या फार्मूला आपको याद करने हैं, तो चलिए इसी बारे में आज बात करेंगे और कुछ इसके प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पिछले हमने फार्मूला जो आपको बताया था उनमें से पहला था यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए सिंगल प्लेट क्लच में टी इक्वल टू 2/3 म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर वन का क्यूब माइनस आर टू का क्यूब डिवाइडेड बाय आर वन का होल स्क्वायर माइनस आर टू का होल स्क्वायर। और यहाँ नंबर ऑफ प्लेट्स जो यन है वो हमेशा दो रहेंगे। फिर आते हैं एक्सियल वियर के लिए टी इक्वल टू 2/3 म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर वन प्लस आर टू, जहाँ पे आर वन आउटर रेडियस है, जो आर वन है वो आउटर रेडियस है, आर टू इनर रेडियस है, म्यू घर्षण गुणांक है और डब्ल्यू एक्सियल फोर्स है, जो उसका फॉर्मूला होता है 2π इंटू आर वन माइनस आर टू। फिर सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर टू। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स याद रखनी हमेशा दो होंगी। तो चलिए आइए इसके न्यूमेरिकल के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालते हैं और देखते हैं कैसे इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, तो ये देखिए न्यूमेरिकल इसमें दिख रहा है आपको और ये हमेशा पूछा जाता है। तो क्या है, एक एकल प्लेट क्लच जिसकी दोनों सतह क्रियाशील है की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या यानी इनर एवं आउटर क्रमशः 150 एवं 250 mm, अधिकतम दाब यानी प्रेशर 0.3 न्यूटन पर mm² सह सकती है। इसका घर्षण गुणांक 0.3 है और ये 2000 rpm पर रोटेट करता है। ठीक है, तो अब इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। फॉर अ सिंगल प्लेट क्लच बोथ सरफेसेस वर्किंग हैव इनर एंड आउटर रेडियस 150 mm एंड 250 mm रिस्पेक्टिवली, द मैक्सिमम पावर इज इट कैन कैरी इज 0.3 न्यूटन पर mm² एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3। फाइंड आउट पावर ट्रांसमिट बाय द क्लच एट 200 rpm। तो हमें यहाँ क्या करना है, जो पावर ट्रांसमिशन होता है क्लच में वह कितना होता है जब ये 2000 rpm पे रोटेट कर रहा हो। तो चलिए आइए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है, ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले R2 हमारे पास जो है यानी आउटर रेडियस था वो हमने देखा 150 mm, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 150 में डिवाइड कर देना है 1000, तो आपको 0.15 मीटर में मिल जाएगा। फिर ऐसे ही R1 के लिए निकाल लेना है, तो ये 250 mm को फिर डिवाइड करना है और 0.25 mm मिलेगा, मीटर से mm से मीटर में मिलेगा। ठीक, फिर म्यू इक्वल टू जो फ्रिक्शनल जो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू इक्वल टू 0.3 जो कि हमने लिख रखा है ना 0.3। न्यूटन इक्वल टू जो एन आरपीएम है वो 2000 rpm है। पी इक्वल टू 0.3 न्यूटन पर mm², इसमें फ्रिक्शनल कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शनल है, सॉरी ये है मैक्सिमम प्रेशर, और एन इक्वल टू 2। तो आइए अब इसके न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं। तो जो न्यूमेरिकल है उसमें सबसे पहले हमें निकालना है इसका कांस्टेंट निकालना है कि कितना कांस्टेंट प्रेशर है। तो चलिए देखते हैं, पी इंटू आर टू पहला फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू सी, तो सी इक्वल टू पी इंटू आर टू होगा और जो हमारा उधर मान गिवन था डेटा में वो हम इधर रख देंगे। तो हमने रखा तो हमें क्या मिला, 0.3 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 0.15। इसे आप दो तरह से चेंज कर सकते हैं, है ना, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.45 इंटू 10 की पावर 6। तो इसे दो तरह से और कर सकते हैं, जो हमने रेड पेन से लिख रखा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसका सेकेंड स्टेप है डब्ल्यू इक्वल टू निकालना है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लिए हो जाएगा सी इंटू 2π इंटू आर वन माइनस आर टू, जहाँ पे C का मान रखेंगे 2π हो गया और R1 R2 का मान रख देंगे। फिर हमें मिल रहा है यहाँ पे 28,743.3 न्यूटन। इसके बाद इसमें थर्ड स्टेप जो आता है वो T निकालेंगे टॉर्क, तो इसका फॉर्मूला होता है N इंटू 1/2 इंटू म्यू डब्ल्यू R1 प्लस R2। फिर इसका मान हमें रख देना है दोस्तों, और ऐसे ही जैसे मैंने इस पे इसके मान को हल किया है ना, सूत्र पे इसके मान को रखना है और हल कर देना है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करना है।
फिर इसका जो चौथा स्टेप है वो करना है आपको पावर। इस पर डायरेक्टली अब आपको लास्ट स्टेप पावर का करना है, ठीक है। इस पर पावर कैसे निकालेंगे, 2 पाई NT, जिधर हमें 2N का मान पता है, टॉर्क हमने अभी निकाला, और 60 से डिवाइड कर देना है। तो 2 पाई × 2000 × ये हमने मान निकाल लिया था पहले, तो हमने इसको वहाँ पर रख दिया, और बाय 60। इसके बाद हमें ये मान, जब हमने इसको हल किया तो हमें क्या मिला, ये नंबर आप देख रहे हो 7106094 × 208 वाट में मिला। अब वाट में मिला तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें किलो वाट में मिल जाएगा। तो हमने ये इसको डिवाइड किया तो मिला 7106.09 किलो वाट, हमें ये फाइनल आंसर इसका मिल गया। तो दोस्तों ये सिंगल प्लेट क्लच के लिए न्यूमेरिकल था, जिसे हमने बेहद ही आसानी तरीके से, वो भी सिर्फ सिर्फ 4 स्टेप्स में हमने इसको हल कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 स्टेप्स, सिर्फ 4 स्टेप में आपको इसको हल करना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और इस पर आपको कितनी असुविधाएं, अगर कोई भी असुविधा इसमें होती है तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स पे हैं, आप इसको कर सकते हैं, और वीडियो को नीचे लिंक में दिया हुआ है, उसको भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में कमेंट शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी लिखें कि इसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं उसे सुधारने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। और इसे पढ़िए अच्छे से, ध्यान से, और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करिए। तो दोस्तों धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लेट क्लच के लिए क्या न्यूमेरिकल होना चाहिए और उसे हम कैसे सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।